हाल ही में आइको ने Z9 सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जहां पे तीन फोन्स लॉन्च किए हैं, आइको Z9, आइको Z9 X एंड आइको Z9 Turbo। और आज मैं तीनों फोन्स के अनबॉक्सिंग और परफॉर्मेंस टेस्ट बताने वाला हूं। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे टेक स्ट्रीट। और जैसे कि आपको बताया, लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल पर देखने मिलते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के होल्ड कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन करें। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो ये है आइको Z9 के तीनों मॉडल्स के बॉक्सेस और तीनों फोन्स डिफरेंट कलर के साथ आते हैं। ये आइको Z9 है जो स्टेरी व्हाइट कलर में मिलेगा और साथ में 12GB रैम 512GB स्टोरेज वेरिएंट है। ये है आइको Z9 टर्बो जो ग्रीन कलर ऑप्शन में मिलता है और ये 16GB रैम 512GB स्टोरेज वेरिएंट है। और आखिरी में आइको Z9 X है जो 12GB रैम 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है और ये डार्क नाइट कलर में मिलेगा। इन तीनों मॉडल्स में से आइको Z9 टर्बो हाई स्पेक्स के साथ आता है और मैंने ऑलरेडी आइको Z9 टर्बो और आइको Z9 X दोनों फोन्स के डिटेल रिव्यू वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में तो तीनों फोन के परफॉर्मेंस कंपैरिजन बताने वाला हूं। अब बॉक्स के प्लास्टिक को रिमूव कर लेते हैं। और दोस्तों, आइको Z9 X जो जल्दी ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ये कंफर्म है क्योंकि इंडिया साइट पे टीजर देखने को मिला है। तीनों फोन्स डिफरेंट कलर्स एंड टेक्सचर्ड के साथ मिलते हैं। सबसे पहले आइको Z9 जो व्हाइट कलर में मिलता है, फोन का बैक स्लाइटली ग्लॉसी मिलता है और ये प्लास्टिक बैक है। वैसे ये लाइट वेट है, 195 ग्राम्स का ही वेट है। ये है आइको Z9 टर्बो जो ग्रीन कलर ऑप्शन में मिलता है और बैक में मैट टेक्सचर्ड की फील मिल जाती है, तो होल्ड करने में ग्रिप काफ़ी अच्छी मिलेगी। वैसे ये भी प्लास्टिक बैक के साथ आता है। वैसे व्हाइट कलर में ग्लोसी सिरामिक लाइक टेक्सचर्ड मिलते हैं। बाकी तीनों फोन्स में फ्रेम भी प्लास्टिक की मिलती है और तीनों फोन्स की डिज़ाइन भी आइको के फ्लैगशिप फोन आइको 12 सीरीज जैसी मिलती है। और ये है आइको Z9 X जो ब्लैक कलर में मिलता है और फोन में बैक और फ्रेम दोनों फ्लैट मिल जाएगी और फोन का बैक मैट फिनिश के साथ आता है और बैक में लाइट के रिफ्लेक्शन से शाइनी बैक भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको आइको Z9 X या तो फिर आइको Z9 में से कौन सी डिजाइन पसंद आई, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फोन में फ्रंट देखे तो फ्लैट मिल जाता है। आइको Z9 X की डिस्प्ले 6.72 इंच की है, बाकी Z9 और Z9 Turbo की डिस्प्ले 6.78 इंच की है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस है, आइको Z9 X की डिस्प्ले LCD मिलती है, बाकी के दोनों फोन्स में AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगी। बाकी का बॉक्स कंटेंट देखे तो आइको Z9 X में 44 वॉट्स का पावर एडेप्टर मिलता है, बाकी Z9 और Z9 Turbo में 80 वॉट्स का पावर एडेप्टर मिल जाएगा। अब तीनों फोन्स के परफॉर्मेंस टेस्ट देखते हैं। आइको Z9 X में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है, आइको Z9 में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है और आइको Z9 टर्बो में 8S Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है। और ये प्रोसेसर इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाले पोको F6 में भी मिलता है, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू वीडियो हाल ही में अपलोड किया है। अगर वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब Z9 टर्बो में एक बड़ा डिफरेंस है, फ़ोन में इंडिपेंडेंट डिस्प्ले चिप मिल जाती है जो बाकी के दोनों फोन्स में नहीं मिलेगी। आप यहां पे तीनों फोन्स का एंटूटू रनिंग स्कोर देख सकते हैं। आइको Z9 X में 5.35 लैक्स मिलता है, आइको Z9 में 8.51 लैक्स तक मिलता है और आइको Z9 टर्बो में 1.51 मिलियन तक मिलता है। तो तीनों फोन्स में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है एंटूटू रनिंग स्कोर में। आइको Z9 सीरीज में कैमरा की बात करें तो तीनों फोन्स में प्राइमरी कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है, लेकिन आइको Z9 टर्बो में एक ही ऐसा फोन है जहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा तो मिलता है, साथ में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाईज का सपोर्ट भी मिल जाता है। बाकी आइको Z9 टर्बो में सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलेगा, बाकी के दोनों फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ कैमरा लगे हैं। अब तीनों फोन्स की प्राइस में भी वास्ट डिफरेंस मिल जाता है। आप यहां पे तीनों फोन्स के बेस वेरिएंट की प्राइस देख सकते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, आइको Z9 X इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, ये कंफर्म है क्योंकि इंडिया में टीजर देखने को मिला है। और Z9 X का अनबॉक्सिंग और डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको आइको Z9 सीरीज कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज और अगला गिव अवे सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलो। लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग। We'll be right back.